एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अंशुल था अपनी साधारण जिंदगी में खोया रहता था। वह शांत, सरल और अपने ही ख्यालों में खोया रहने वाला था। एक दिन गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली में एक अजीबोगरीब महिला आई जिसे लोग दक्षिणी के नाम से जानते थे। दक्षिणी को देखकर गांव के लोग उसे तांत्रिक समझते थे क्योंकि उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके पास अजीबोगरीब वस्तुएं होती थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ रहस्यमय और आकर्षक था जिसने अंशुल को उसकी ओर खींच लिया। अंशुल ने पहली बार जब दक्षिणी को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। दक्षिणी की आंखों में एक गहराई थी जो उसे कहीं दूर खींच ले जाती थी। गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते थे परंतु अंशुल के दिल में उसकी रहस्यमयता के प्रति एक अजीब आकर्षण था। वह हमेशा से साधारण जीवन से कुछ हटकर खोजता था और शायद यही वजह थी कि उसने दक्षिणी के करीब जाने का साहस किया। धीरे धीरे अंशुल और दक्षिणी की मुलाकातें होने लगी। दक्षिणी ने उसे बताया कि वह केवल एक तांत्रिक नहीं है बल्कि उसने अपने जीवन में कई गहरे राज सीखे हैं जिनका संबंध केवल आत्मा और प्रकृति से है। अंशुल उसकी बातें ध्यान से सुनता और उसकी हर बात में उसे कुछ अनोखा और अद्वितीय नजर आता। एक दिन दक्षिणी ने अंशुल से कहा, तुम्हारे भीतर एक खास ऊर्जा है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन के कुछ हिस्से को त्यागना पड़ेगा। अंशुल को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनकर उसने दक्षिणी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अंशुल ने दक्षिणी के साथ तंत्र विद्या सीखनी शुरू की। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अंशुल का प्रेम और विश्वास उसे हर कठिनाई से पार करा रहा था। दक्षिणी ने उसे प्रकृति की ऊर्जा को महसूस करना और नियंत्रित करना सिखाया। दिन ब दिन उनके बीच का बंधन गहरा होता गया। ये केवल शिक्षक और शिष्य का रिश्ता नहीं था बल्कि अंशुल के दिल में दक्षिणी के लिए प्रेम भी पनप रहा था। वह हर उस पल को संजोने लगा जो वह दक्षिणी के साथ बिताता था। एक रात जब अंशुल ने अपने दिल की बात दक्षिणी को बताई तो वह चुप रही। उसने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन मैं दुनिया के नियमों से ऊपर हूँ। हमारा प्रेम सच्चा है, परंतु मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम मेरी यादों में रहोगे अंशुल। अंशुल टूट गया, परंतु उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सुबह होते ही दक्षिणी गांव छोड़कर चली गई। अंशुल ने उसकी विद्या और उसकी यादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उसने सीख लिया कि प्रेम केवल पा लेना नहीं बल्कि किसी की खुशी में अपने दिल को बसा लेना भी है। दक्षिणी की यादें उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गई और उसने अपने जीवन को उसकी दी हुई विद्या के साथ जीना सीखा।